श्री हेमंत गोस्वे। प्रश्न संख्या 183। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय सदस्य, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम सब ने देखा है कि इस कोविड के पेंडेमिक पीरियड में स्कूलों को बंद रखा गया, विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन देना पड़ा। आज भी ट्राइबल एरियाज में लाइट हो, नेटवर्क हो, इसकी बड़ी असुविधा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमने इस कोविड के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण देते समय क्या समस्याएं आई और उसे आगे चल के वो उनको सुलझाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय मंत्री जी को माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पहली बार इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ एक तरफ नई शिक्षा नीति प्रारंभ किया गया, वहीं जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, एकलव्य आदर्श स्कूल, आवासीय स्कूल के रूप में, अब उसका एक राष्ट्रीय दृष्टि इस योजना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और यह कोशिश किया जा रहा है कि इसके माध्यम से हम सतही तौर पर क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें और दूर सुदूर क्षेत्र में रहने वाले तमाम जनजातीय बंधुओं को अच्छी शिक्षा मिले। यह एक बहु आयामी व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का एक दूरदर्शी कदम, जिसे मैं कहूँगा, उसी लक्ष्य को लेकर के यह मंत्रालय इस विद्यालय का कार्य प्रारंभ किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्टिकुलर प्रश्न था कि कोविड के पीरियड में विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा दी जाती थी और उनको क्या समस्या आई और आगे चल के हम लोग उसके ऊपर क्या प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आगे चल के उनको वो अड़चन ना आए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2022 तक लगभग 700 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल करने का निर्धार किया है, लेकिन उत्तर में दिया गया है कि 367 स्कूल अभी फंक्शनल है और उसमें 85,232 विद्यार्थी एनरोल्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल का अगर हम लोग पॉपुलेशन पूरे देश में देखें तो उसमें बहुत कम संख्या ये कम लग रही है। अध्यक्ष महोदय, एकल संस्था जैसी बहुत सी संस्थाएं देश के ट्राइबल्स विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए काम कर रही है और उनके पास लगभग, एकल संस्था अगर हम सोचें तो उनका लगभग 1,07,000 छोटी छोटी स्कूल्स हर ट्राइबल एरिया में है और वो संस्था चलाते वक्त वो प्राइवेट फंडिंग उसको करते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है आपके माध्यम से कि क्या ऐसी संस्थाओं को हम लोग अगर रिकॉग्नाइज करें और उनका जो नेटवर्क है, अभी पूरे देश में 1,00,000 अगर छोटी छोटी स्कूल्स है, अगर उनके नेटवर्क का हम लोग फ़ायदा लेके उनको रिकॉग्नाइज करके उनको अगर कोई मदद करे तो निश्चित रूप से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच सकते हैं और जल्द से जल्द अच्छा शिक्षण उनको दे सकते हैं। तो मेरा यह प्रश्न है कि हम लोग ऐसी संस्थाओं को रिकॉग्नाइज करके उनका नेटवर्क का फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उनकी चिंता अच्छी है कि जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले और उसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसे विद्यालयों पर काम कर रहे हैं जहां बच्चों को शिक्षा मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा मंत्रालय ऐसे बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर के काम कर रहा है, स्वयंसेवी संस्थाओं को उनके प्रपोजल के अनुसार, राज्य सरकार के अनुशंसा के आलोक में हम उन्हें पर्याप्त आवंटन देते हैं और ऐसे स्कूलों को प्रोत्साहित करते हैं। जहां एनजीओ के माध्यम से शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं हम एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समतुल्य क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। जहाँ तक चिंता कोविड की माननीय सदस्य की है, निश्चित रूप से पूरा देश चिंतित है,
खास करके जनजातीय मंत्रालय और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और कोविड के समय में उन्हें ऑनलाइन शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। उन्हें मिल रहा है और उसे और क्या सुविधा दिया जा सकता है, इन सुविधाओं पर भी लगातार मंत्रालय काम कर रहा है, और जनजातीय बच्चों को किसी तरह की कठिनाई न हो इसकी चिंता मंत्रालय लगातार कर रहा है।